खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। और इसी जारी सिलसिले के बीच कांग्रेस पार्टी से जुड़े अशोक वर्मा और उनके बेटे शिव वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि अभी कई हजार विपक्षी नेता और भी हैं जो भाजपा में शामिल होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज ओबीसी से जुड़े हुए अशोक वर्मा जी हों, हरिद्वार से भी ओबीसी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जो हमने पहल की थी उसमें बड़ी संख्या में लगभग आज इस बात को भी मैं कह सकता हूँ बड़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़े रहे, आज वो मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री विकास मुख्यमंत्री धामी जी के विकास कार्यों को प्रभावित होकर दल के अंदर आ रहे हैं। और अब ये क्रम हमारा सतत चलेगा। अभी 5 तारीख से मुख्यमंत्री जी और मेरा प्रवास सभी विधानसभा के अंदर है और लगभग मुझे लग रहा 20,000 की संख्या कांग्रेस और बसपा और सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं के तो मतलब जुड़ेंगे। आज भी 3264 तो मुझे संख्या बताएगी ऐसे लोगों ने दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। और विशेष करके मैं हरिद्वार को कहना चाहता हूँ, बीएसपी और कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में उनके वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आज जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, बीएसपी के प्रदेश स्तर के लीडर्स हूँ और चाहे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के हों, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं और जो पूर्व में चुनाव लड़े हैं या जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वो हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे जनता आज हमारे साथ है और विभिन्न दलों के नेतृत्व करने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आप जो युग है वो नरेंद्र मोदी का है।